आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये DRDO की तरफ से वैकेंसी आ रही है। तो गाइस देखिए DRDO इस वक्त बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाल रहा है। वैसे तो ये मैं आप लोगों को मेनली बात करूँ तो ये DRDO डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर आप लोगों का कोई भी फिलअप वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको कोई एप्लीकेशन पर जाकर यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं करना, कुछ नहीं करना है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। अब गाइस यहाँ आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू अटेंड रहेगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हायरिंग होने वाली है। डायरेक्ट हायरिंग मतलब कि यहाँ पर 100% आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही गाइस यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कुछ मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम लोग नोटिफिकेशन के जरिए से यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। गाइस जो स्टूडेंट हमारे एलिजिबल है वो वीडियो को कंटिन्यू करें और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों की फ्रेशर की वैकेंसी के साथ साथ यहाँ आप लोगों की कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, ना ही कोई आप लोगों की फीस रहेगी गाइस, ना कोई आप लोगों का एग्जाम रहेगा। नो फीस और साथ ही नो एग्जाम, आप लोग का यहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड रहने वाला है। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है, लगभग 30,000 प्लस आप लोग का सैलरी पैकेज रहेगा। गाइस सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है। तो चलिए हम लोग इसका पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइस, ये आप लोग का जो वैकेंसी आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ रहा है, मतलब DRDO के अंडर ये वैकेंसी निकल रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ये आप लोगों की वैकेंसी है गाइस। यहाँ सभी के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जो स्टूडेंट हमारे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने के लिए एलिजिबल है वो ज़रूर जाइएगा। साथ में जूनियर रिसर्च की वैकेंसी निकाली गई है। चंडीगढ़ आप लोग का लोकेशन रहेगा और यहाँ सभी स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पोजीशन दी गई है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी दी गई है, डेट ऑफ इंटरव्यू। आप लोगों का जो इंटरव्यू है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करेंगे केमिस्ट्री वाले, फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% मार्क्स आप सभी का होना चाहिए तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। देन आप लोग जो जूनियर रिसर्च फ्लो की है मैकेनिकल वालों के लिए, यहाँ पर BE BTech एलिजिबल है। साथ ही गाइस फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स के साथ में आप लोगों का होना चाहिए। और गाइस देखिए जैसे आप लोग एक एग्ज़ाम के बारे में तो जानते ही होंगे, नेट और गेट। जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए होता है और जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो गाइस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ही इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप लोग जाइएगा। और अगर आप लोगों ने BE BTech वाले कैंडिडेट हैं तो उन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग जा सकते हैं। जो हमारे नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हैं उन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग जा सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल है। इसका इंटरव्यू आप लोग को 2/11/2022 को रखा गया है। यहाँ फर्स्ट वाली वैकेंसी का 1/11/2022 को इंटरव्यू रखा गया है। दूसरा है जूनियर रिसर्च फेलो BE BTech अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, यहाँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यह आप लोगों की फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। गेट का एग्ज़ाम आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। तो गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ME MTech है, इन सभी ब्रांच से हैं तो नेट का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 3/11/2022 को इंटरव्यू रखा गया है। नेक्स्ट आप लोगों की देखिए यहाँ पर आप लोगों की जूनियर रिसर्च की है, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल है, फिजिक्स से है और आप लोग का फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न मतलब 60% नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोगों की यहाँ पर 3 वैकेंसी है, 4/11/2022 को इंटरव्यू रखा गया है। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 18 है, मैक्सिमम 28 रखी गई है। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल के लिए OBC कैंडिडेट के लिए। स्टाइपेंड अच्छा दिया जा रहा है, जिस तरीके से फ्रेशर स्टूडेंट हैं उस तरीके से 31,000 आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 ईयर तक ये वैकेंसी रहेगी, एक तरीके से अप्रेंटिस के तौर पर निकाली गई है। और गाइस यहाँ पर आप लोगों का ये जो है आगे भी इसी तरीके की वैकेंसी, इसी तरीके का प्रोजेक्ट बढ़ता है तो आपकी वैकेंसी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इंटरव्यू का जो आपका दिया गया है देख सकते हैं वेन्यू, ये पूरा वेन्यू दिया गया है। अगर आपके आसपास में ये लोकेशन है तो आप लोग जा सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर चंडीगढ़ की है। वर्क प्लेस आप लोगों का ये रहेगा,
ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों की जो मेन मेन चीज़ें दी गई है वो आप लोग देख सकते हैं किसके क्षेत्र में। यहाँ पर आप लोग गवर्नमेंट आप लोग का सेक्टर रहने वाला है गाइस, आप लोग यहाँ पर पूरी चीज़ें देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी आप लोगों की फीस चार्ज नहीं है। आपके आसपास का है और आप एलिजिबल हैं तो ही आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही और भी अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ ही इसका नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।